हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ अकीहा बारा, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारा इनका जापान का एनीमे के स्टोर्स हैं और सब एनीमे से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ठीक है, चलते हैं भाई। उधर सामने है मेट्रो स्टेशन और मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो भाई मैं ये स्टेशन आ गया हूँ। स्टेशन का नाम है सुये हिरोचो, ऐसे करके है। ये कोई अकीबा बिल्डिंग है, अकीबा का काउंटर है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, एसेसरीज हैं, घड़ी के, मोबाइल, लैपटॉप सब यहीं पे ही हैं। तो लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आए हैं तब जाते हैं ऊपर। हो सकता है ऊपर मिल जाए वो एनीमे वाला, तो अभी तक मिला ही नहीं यार। पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है यार, अभी तक जो ढूंढने आया था वो मुझे नहीं मिला। और आसपास की चीज़ें देख रहा हूँ और ये है छाते की दुकान। यार कितने सारे छोटे छाते हैं, बड़े छाते भी हैं भाई साहब। ये शायद मैंने गूगल पे देखा था, इतने सारे छाते लगे ना कलरफुल, और छाते कस्टमाइज भी करा सकते हैं। भाई जापान का अमीनाबाद आ गया, यहाँ मिलेगी छोटे भाई की छोटी दुकान और दूल्हा घर, ये सब मिल जाएगा यहाँ पे। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा लैंग्वेज, और मुझे अभी तक वो मिला नहीं है एनीमे। पता नहीं कौन सी जगह आ गया मैं। जूते लगे हुए 2700-2200। तो जूतों की कपड़ों की दुकानें ज़्यादा हैं। दाल मिल रही है, दाल, राजमा, फल फ्रूट। सब मिल गया कि यहाँ बारह में, लेकिन एनीमे नहीं मिला। ये भाई इतने महंगे कपड़े यार, 4950, और वो 15800 की जीन्स है। 15800, 7000, 10000, मतलब समझ लो 8000 की जीन्स है यार इंडिया के हिसाब से। ये सब सड़क पे मिल रही है, इतनी महंगी है, 6435। ये हमने दुबई में बहुत खेला है, ये वो मशीन से वो आता है ना, क्या कहते हैं, मशीन से मतलब कॉइन डालो तो मशीन से खिलौना उठाना होता है। तो ये तो हमने दुबई में बहुत खेला था यार, और जीते भी थे, ऐसा नहीं कि जीते नहीं थे। चलो फाइनली एनीमे के कैरेक्टर कुछ तो मिले, वरना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये भी है अदर प्राइसेस ऑन द फर्स्ट फ्लोर। यार दिल में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि जिस मेट्रो स्टेशन से मैं आया हूँ ये उसी के सामने बिल्डिंग है, और मैं 2 घंटे से घूम रहा हूँ। अब दोबारा मेट्रो स्टेशन में आया हूँ तो देखा सामने ही है, तो फाइनली अब मैं आ गया हूँ। अब दिखाता हूँ कुछ एनीमे वगैरह, जो कैरेक्टर्स मुझे पसंद है वो दिखाता हूँ। एक ये तो तब है जब सेल से लड़ाई हो रही थी, तो गोहन और गोकू। वाह, ये है मार्जिन वेजिटा था ना ये तो था। ये सुपर साइयन ट्रंक्स। चलो ड्रैगन बॉल के तो दिख गए। ये रहा सेल, वाह 2800 का है सेल, 2800 हुआ करीबन 1800-1500 रुपए का शायद। ये रहा फ्रीजा 1100 का, ये हो गया ब्लू गोकू ब्लू। वाह यार सपना पूरा हो गया यहाँ आने का। अद्भुत अद्भुत अद्भुत।
ये भाई को गुस्सा आ गया था जब सुपर सैयन बन रहा था। ये भी गोहन शायद, ये रहा फ्रीजा 3000 का 1600 का गोल्डन फ्रीजा। और ये सुपर सैयन कौन सा था, सुपर सैयन 5 था पता नहीं। ये गॉड, सुपर सैयन गॉड। सेकंड फ्लोर में तो गाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, 400 की, ये 7500 का शेंड्रॉन। अब तो जैसे लाइन से ही बहुत सारी दुकानें हैं एनिमे कैरेक्टर्स की, लेकिन गाड़ियों की भी यार, गाड़ियाँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर चलो ठीक है, अब जो बच्चे लेते होंगे वो लेते होंगे। तो अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के पास ही, मतलब मेट्रो स्टेशन वाली लाइन ही है जिस मेट्रो से मैं आया था। बाकी ये राइट में देखना, ये उसमें है क्या कहते हैं वो कैफे इनका होता है ना, तो ये कैरेक्टर्स जैसे बने होते हैं तो उसकी तरह बन जाती हैं, लेकिन ये लोग मुंह छुपा लेते हैं ज़्यादातर। अगर देखते हैं कोई रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो ये लोग होता है कि ये लोग मुंह छुपा लेते हैं। वो उसका कारण मुझे लगता है वो इसलिए है क्योंकि शायद घर पे नहीं पता होता इन लोगों को कि ये ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब कैफे में काम कर रहे हैं स्कूल ख़त्म करने के बाद। अब देखो इसने भी छुपा लिया ना, अब यही है। ये है दुकान। खांसी नहीं जा रही यार, इतना कुछ कर लिया फिर भी नहीं जा रही। ये सारी यहाँ पे सीढ़ियाँ मिल रही हैं कार्टून की सीढ़ियाँ, आज की तारीख में कौन खरीदता है यार। पता नहीं ये लोग क्या, मतलब सीढ़ी खरीदने का क्या वो है। पता एग्जिट हो गया, नीचे नीचे की तरफ थी वहाँ पे वो था क्या, नीचे की तरफ जो थी वहाँ पे किताबें रखी हुई थी। चलो किताबें तो समझ में आती हैं, पर अब तो ये सब डाउनलोड कर सकते हैं ना। अब तो यहाँ पे ना सारे गेम ही गेम है, मतलब आखिर आप आ रहा जगह जो है, अब मुझे समझ आया यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, मार्केट भी थी और गेम्स भी है। जैसे देखो ये मेरे पीछे ये खड़े होकर गेम खेलने वाला, पसीना पसीना हो गया। मोबाइल से ही सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोबाइल से ही सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है, शशके आ रहा है, बाल भी एकदम वो हो गया। चलो सिंगापुर वाली शर्ट पहनी है कि लगे कि भाई टूरिस्ट है। ये पूरा सेट है 4950 का, और एक ये भी है लेकिन ब्लैक एंड वाइट में, और ये 4400 का, और सब कैरेक्टर्स छोटे छोटे हैं। ये भी सब है, इतने तो एनीमे मैंने आज तक देखे ही नहीं यार, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये समझ आ गया, ये नारुतो जैसा है, नारुतो ही है। और मुझे वो नहीं दिखा वन पंच मैन जो था ना, साइतामा क्या था नाम उसका, वन पंच मैन का। चलो वो देखते हैं। ये भी देखो ड्रैगन बॉल, ड्रैगन बॉल के तो बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। ये तो अलग एनीमे, ये तो पता नहीं, बाकी छोटे छोटे हैं। कितने सही तरीके से बनाते हैं ना, फिर कलर वगैरह करते हैं। ये स्कूटर है, टैंक, ये कौन, ये तो यार कोई ना खरीदे यार। चलो खरीद ले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा। अभी तक मुझे इसमें है क्या, इसमें भी सब बड़े बड़े हैं लेकिन वो नहीं मिला यार मुझे। अब साइतामा देखना, ये और ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर,
ये तो मेरे ख्याल से वो भी मूवी आ रही है उसमें है ये बंदा, पता नहीं 2023 में आएगी शायद। वाह, फ्रीजा है, फ्रीजा का बाप है, बुलमा है, अच्छा सारे कैरेक्टर हैं। वाह, मिस्टर पिकोलो। बस मैं तो सिर्फ ड्रैगन बॉल ही देखता हूँ, तभी मेरे को ज़्यादातर के नाम याद है। अच्छा यार, वाह इधर और है ड्रैगन बॉल, ये देखो भाई साहब, अच्छा लग रहा है यार ये वाला। ये कार्टून कौन सी थी ये तो नहीं पता मुझे, इसका नाम भूल गया यार। ये वेजिटा के साथ आया था ना ड्रैगन बॉल जी में। और ये हो गई एंड्रॉयड 18, एंड्रॉयड 18। फिर ये गोकू, ये शायद सुपर में आया था गोकू जब छोटा हो गया था। 2480 लिमिटेड सेल, 1400 सांज नेको रोबिन नामी, ये क्या कुमा, अच्छा लिमिटेड सेल है। इस पर देखो कितनी मेहनत लगी है, प्रिंट हुआ होगा फिर कलर किया गया, ये ज़बरदस्त लग रहा है यार, इसको तो वॉलपेपर बना सकते हैं। ये अब अच्छा लग रहा है ना, ऐसे इसको वॉलपेपर बना सकते हैं। फिर एक ये ड्रैगन, ये तो ये सारे ईवल करेक्टर्स हैं, एलियन टाइप क्या। ये उसका बड़ा वाला है लेकिन कितने का, 29,700 का। तो यार ये जगह है पूरी मेट्रो स्टेशन के पास, देखो कैसी दिख रही है, मुलन मुलन। अच्छी लग रही है पीछे, ये खड़ी है मेड कैफे के लिए। अब सड़क के इस तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है। वैसे तो होगा सब सेम ही लेकिन एक बार देख लेते हैं, बिल्डिंग्स तो सारी सेम है, सेम है मतलब सब एनीमे से रिलेटेड है ना, तो ये जाके देख लेते हैं। ये बड़े कैरेक्टर्स हैं पर ट्रांसफॉर्मर तो नहीं है, ट्रांसफॉर्मर जैसे हैं पर ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ये तो वो बिल्डिंग है वो गीको वाली जब मैंने दिखाई थी, इसकी थर्ड फ्लोर पे तो ये है सारे प्लेस्टेशन है, प्लेस्टेशन 4 है 26,000 का है लेकिन प्रो है 40,000 का, और शायद सेकेंड हैंड भी रखे हैं वो 21,000 का, 32,000 का, 29,528 PS4 प्रो 48,000 का। ये सारी येन में है करेंसी। एक गेम याद आ गया तुशीमा, लेकिन पूरा मैं खेल ही नहीं पाया था यार। और यहाँ पे सारे निंटेंडो रखे हैं, निंटेंडो स्विच 37,000 का, 37,000, तो इससे अच्छा बंदा प्लेस्टेशन ही ले लेंगे। ये है 30,000 का, 30,900 निंटेंडो स्विच, ये 17,000 का स्विच लाइट, अच्छा निंटेंडो स्विच और स्विच लाइट 16,000 का। तो यार ये मुझे लगा बंद है पर ये एडल्ट्स ओनली है, तो अंदर जितने एनीमे जो एडल्ट्स के लिए हैं वो सब हैं, सीडीज रखी हैं और कार्टून्स भी रखे हैं और थोड़े बहुत एक्शन फिगर भी रखे हैं। थक गया यार आज, हाँ थक गया बहुत, चल चल के चल चल के आज पार कर दिए होंगे, 20,000 स्टेप पार कर दिए होंगे आज। एक गोकू और मिला, ये तो बहुत बड़ा है, वाह। इधर आ गया मारियो, पोकेमोन और डोरेमोन, पोकेमोन डोरेमोन
तो वही वाले कैरेक्टर से ये इनका पेंट अच्छा है। ये तो पावर रेंजर्स जैसे लग रहे, पता नहीं है कि नहीं लेकिन ऐसे लग रहे। ले भाई एवेंजर्स आ गए। हल्क हो गया, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और स्पाइडरमैन, डेडपूल। अच्छा लगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सबसे बढ़िया लग रहा है। लोग खाना खा रहे हैं ना, ये अच्छा लग रहा है। यार अब बहुत थक गया हूँ, अब जा रहा हूँ खाना खाने। एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है यहीं पे पीछे की तरफ है, आई किचन नाम है, आई किचन। तो अब ये है कि अब जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या खाना मिलता है और कितने का मिलता है। चलो ठीक है। ये राइस है और सलाद है और वेजिटेबल करी है और दाल है, साथ में पानी है। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है आई किचन और यहाँ पे इतना खाना दो करी के साथ कम से कम 1000 येन का। यार यहाँ ना मैंने एक चीज़ देखी है कि किसी को भी पैसे दो ना तो नीचे वो उनकी ट्रे होती है उसमें रखो, हाथ में दोगे तो मना कर देंगे, कह देंगे ट्रे में रखो। तो बस अब मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ब्लॉग बनेगा, अब घर निकलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है टहलते टहलते। और एनीमे जितना मुझे देखना था मैंने देख लिया है, वो सारा आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा अच्छा रहा होगा पहले से। तो बाकी ठीक है, बाकी देखते हैं भाई आगे और वीडियो बनाएंगे। तो टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।